नमस्कार, नागपुर हलचल में आपका स्वागत है। तो अब नजरें डालते हैं नागपुर के विविध हलचल पर। महात्मा फुले राहुरी कृषि विश्वविद्यालय की ओर से केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग यातायात मंत्री नितिन गडकरी को राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के हाथों डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया गया। राहुरी कृषि विश्वविद्यालय का गुरुवार को 35वां दीक्षांत समारोह था। राकापा अध्यक्ष और राष्ट्रीय नेता शरद पवार को भी इसी दिन विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर प्रशांत कुमार पाटिल और कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। गडकरी को कृषि पर उनके शोध और किसानों के आर्थिक उत्थान के लिए डिग्री से सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम के पश्चात गडकरी ने राहुरी में अहमदनगर व शिरडी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के विकास कार्यों की समीक्षा की। बैठक में कृषि मंत्री दादाजी भुसे, सुजय विखे पाटिल, सदाशिव लोखंडे आदि उपस्थित थे। कम लागत में अधिक उत्पादन की नई तकनीक का उपयोग कर किसान निर्यात के योग्य व उच्च गुणवत्ता वाले माल का उत्पादन करना सीखे, ये आह्वान करते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि फार्मर प्रोड्यूस कंपनियों की स्थापना कर हम अपनी उपज को निर्यात कर सके तो किसान खुशहाल और समृद्ध होंगे। वे यहाँ वनमती हॉल में फल उत्पादक प्रशिक्षण कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस अवसर पर पूर्व कुलपति डॉक्टर सी डी माई, मोरेश्वर वानखेड़े, सुधीर दीवे आदि उपस्थित थे। गडकरी ने कहा कि हमारे यहाँ लाभकारी खेती नहीं होती। खेती को लाभकारी बनाने और किसानों के आर्थिक उत्थान के लिए हमें अपनी समस्याओं का अध्ययन करना होगा और एक योजना सुनिश्चित करनी होगी। खेती के लिए पहले सिंचाई की व्यवस्था करनी होगी। इसके लिए जलाशयों के निर्माण के लिए छोटे नदी नालों को गहरा और चौड़ा करने की व्यवस्था कर खेती की सिंचाई सुनिश्चित करना होगा। भविष्य में किसान से किसान तक योजना बनानी होगी। आपके फल की गुणवत्ता अंतर्राष्ट्रीय स्तर की होनी चाहिए। इसके लिए नर्सरी अच्छी होनी चाहिए। सफल तकनीक लाए और माल के साथ फसलों की गुणवत्ता अच्छी बनाए रखें। गुरु घासीदास सतनामी समाज मानव उत्थान ट्रस्ट द्वारा संचालित गुरु घासीदास परिवार के माध्यम से मिनी माता नगर गुरुद्वारा परिसर में प्रवचनकर्ता द्वारिका बर्मन व सुखचंद भास्कर एवं टीम बिलासपुर छत्तीसगढ़ द्वारा सत्संग आयोजन किया गया। आयोजन सत्संग परिवार के अध्यक्ष पिंटू मारखंडे, उपाध्यक्ष मन्नू कुर्रे, किशन लहरे, सचिव शांतनु बघेल, सह सचिव करण चंदेल, कोषाध्यक्ष संतोष टंडन, उपकोषाध्यक्ष राहुल कोसरे हैं। सतनाम पंथ के प्रवर्तक गुरु घासीदास बाबा के बताए 7 संदेश सतनाम को मानो, सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है, सतम धरती सतम आकाश, सभी जीव समान है, जीव हत्या पाप है, पशु बलि अंधविश्वास है, मांसाहारी मत बनो, नशा मत करो, मूर्ति पूजा मत करो, दोपहर में हल मत जोतो, पर नारी को माता जानो, आचरण की शुद्धता पर जोर दो, चोरी करना पाप है, हिंसा करना पाप है, सादा जीवन उच्च विचार रखे एवं 42 अमृत वाणियों को सतनाम सागर के माध्यम से उपस्थित जनमानस को संत समाज को अमृत रसपान कराया। बाबा के बताए उपदेश मानव मानव एक समान को चरितार्थ करते हुए सादा जीवन जीने का राह बतलाया। साथ ही एक नवविवाहित जोड़े को ट्रस्ट अध्यक्ष नरेंद्र बघेल, उपाध्यक्ष दीपक रात्रे, सह सचिव मनोज कोसरे, संदीप कोसरे ने एक अच्छे जीवन के लिए आशीर्वाद प्रदान किया। कोविड की संभावित तीसरी लहर की संभावनाओं को देखते हुए टीकाकरण पर जोर दिया जाना चाहिए। ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र, बच्चों के लिए वेंटिलेटर के साथ स्वास्थ्य व्यवस्था सुसज्जित रखें। ऐसे निर्देश राज्य योजना बोर्ड के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर ने दिए। वे संभागायुक्त कार्यालय में आयोजित जिला योजना समिति के सभी 6 जिलों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में नागपुर जिला कलेक्टर विमला आर, चंद्रपुर जिला कलेक्टर अजय गुल्हाने, वर्धा जिला कलेक्टर प्रेरणा देश भ्रतार, गढ़चिरौली जिला कलेक्टर संजय मीणा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर, अनिल पाटिल, मिताली सेठ, कुमार आशीर्वाद, अतिरिक्त संभागायुक्त संजय धीवरे, योजना उपायुक्त धनंजय सूटे सहित 6 जिलों के संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। दीपावली का पर्व सभी वर्ग के लिए खुशहाली का त्योहार होता है। दीपावली की खरीदारी के लिए बाजारों में भीड़ बढ़ने लगी है। घर से बाजार तक खरीदारी करने के बाद घर तक सुरक्षित पहुंचना प्रत्येक व्यक्ति और परिवार चाहता है। महानगर में सबसे सुरक्षित आवागमन के लिए मेट्रो स्टेशनों से मेट्रो ट्रेन उपलब्ध है। खापरी और हिंगना मार्ग से महानगर के प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्र सीताबर्डी पहुंचने के लिए सुबह 6:30 से रात 9 बजे तक ट्रेनें उपलब्ध हैं। दीपावली पर्व पर गहनों से लेकर रंगोली तक की खरीदारी की जाती है। नागरिकों के लिए मेट्रो ट्रेन सबसे सुलभ, आसान, सुरक्षित और किफायती है। महामेट्रो की ओर सुरक्षित यात्रा के लिए मेट्रो ट्रेन का अधिकाधिक उपयोग करने की अपील नागरिकों से की गई है। खापरी और आसपास के ग्रामीण अंचल
तथा हिंगना और उससे लगे ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों के लिए सीताबर्डी तक आना जाना मेट्रो ट्रेन से बहुत आसान हो गया है। सीताबर्डी मेट्रो स्टेशन नागपुर मेट्रो का इंटरचेंज है और वर्धा और हिंगना मार्गों के नागरिक यहां से उतरकर बर्डी के इलेक्ट्रिक फुल मार्केट कपड़ा मार्केट जा सकते हैं। अजनी रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद महामेट्रो ने कांग्रेस नगर स्टेशन के माध्यम से शहर के अन्य हिस्सों की यात्रा करने वालों के लिए फीडर सर्विस की बेहतरीन सुविधाएं प्रदान की है। वानाडोंगरी नगर परिषद की आर्थिक स्थिति खराब होने के बावजूद नए मुख्याधिकारी ने केवल महीने भर के समय के बाद खुद के कैबिन में रिनोवेशन के लिए 2 लाख रुपए खर्च किए। इसके चलते स्थानीय जनप्रतिनिधि भी हैरान है। पिछले 2 महीनों में एक भी नया प्रकल्प नहीं शुरू किया गया है। सभी वार्ड में जारी विकास कार्य स्थगित हो चुके थे, लेकिन मुख्याधिकारी अर्चना मेंढे ने नगर परिषद में कार्यभार संभालते ही अपने कैबिन का रिनोवेशन शुरू कर दिया। विशेष बात तो यह है कि पिछले 2 साल से इस नए कक्ष का विस्तार व नूतनीकरण किया जा रहा था। फर्नीचर भी नया है, लेकिन इसके बावजूद नूतनीकरण के लिए मुख्याधिकारी ने बेवजह खर्च किए। इसके चलते स्थानीय पदाधिकारी एवं नगर सेवकों में आक्रोश का माहौल है। मुख्याधिकारी कक्ष के पास ही जलापूर्ति, स्वास्थ्य एवं शिक्षा अध्यक्ष का कक्ष था, लेकिन बॉस ने जबरदस्ती उन्हें दूसरा कमरा अलॉट कर दिया। पिछले कई महीनों से नगर परिषद में मुख्याधिकारी की कमी के चलते कारण विकास कार्यों की गति धीमी हो गई थी। अर्चना मेंढे द्वारा कार्यभार संभालने के बाद सभी ने सोचा कि परिसर के विकास कार्यों को गति मिलेगी, लेकिन पिछले 2 महीनों में ऐसा कोई भी नया कार्य शुरू नहीं हुआ। जिलाधिकारी विमला आर ने गुरुवार को दीपावली का त्योहार मनाने हेतु नागरिकों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। दीपावली त्योहार 2 से 6 नवंबर तक मनाया जा रहा है और जिलाधिकारी ने कहा कि नागरिक इस दिवाली को इको फ्रेंडली तरीके से और सादगी से मनाएं। पिछले साल कोरोना वायरस महामारी के कारण नागरिकों ने इस त्योहार को सादगी से मनाया था, हालांकि दूसरी लहर का असर कम हो गया है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से फिर भी खतरा पैदा हो रहा है और इसीलिए लोगों को उचित सावधानी बरतनी चाहिए। वरिष्ठ नागरिक एवं बच्चे घरों से बाहर न निकले। दिशा निर्देशों में कहा गया है कि पटाखे फोड़ने से वायु और ध्वनि प्रदूषण होता है, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता है। इसीलिए नागरिकों को पटाखे फोड़ने से बचना चाहिए। कोरोना आंकड़ों में कमी के चलते सरकार ने नियमों में ढील दी है, लेकिन फिर भी लोगों को भीड़भाड़ से बचना चाहिए। मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना चाहिए और बाजारों में सामाजिक दूरी बनाए रखना चाहिए। दिवाली के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजनों को सरकारी नियमों का पालन करना चाहिए और जहां तक संभव हो कार्यक्रमों को ऑनलाइन माध्यम से आयोजन करना चाहिए। वेस्टर्न कॉलीफील्ड्स लिमिटेड वेकोली के अधिकारियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने हाल ही में नागपुर महानगर पालिका के अतिरिक्त आयुक्त दीपक कुमार मीना से मुलाकात की। ये मुलाकात 26 अक्टूबर से शुरू हुए सतर्कता जागरूकता सप्ताह के सिलसिले में हुई। वेकोली के महाप्रबंधक संजीव शेंडे, जनसंपर्क सलाहकार एसपी सिंह, मुख्य प्रबंधक कमलेश बंसोड़, उप प्रबंधक राहुल नवानी ने अतिरिक्त आयुक्त दीपक कुमार मीना से मुलाकात की और उन्हें सतर्कता सप्ताह के तहत वेकोली द्वारा अमल में लाई जा रही पहलों से अवगत कराया। मुलाकात के दौरान वेकोली अधिकारियों ने नागपुर महानगर पालिका के कर्मचारियों के लिए मास्क, सैनिटाइजर और पेन प्रदान किया। स्वतंत्र भारत 75, सत्य निष्ठा से आत्मनिर्भरता, ये संदेश सभी वस्तुओं पर लिखा गया था। आज 18 प्लस और 45 प्लस आयु वर्ग के सभी नागरिकों का कोविड शील्ड का टीकाकरण नागपुर महानगर पालिका केंद्रों के साथ ही सरकारी केंद्रों पर भी होगा। टीकाकरण का समय सुबह 10 से लेकर शाम के 5 बजे तक होगा। चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजय चिलकर ने बताया कि टीकाकरण के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पद्धतियों से पंजीकरण कराया जा सकता है। इसी तरह ड्राइव इन वैक्सीनेशन केंद्रों पर भी 18 वर्ष और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों को कोविड शील्ड के जरिए टीकाकरण किया जाएगा। इसी तरह 18 प्लस और 45 प्लस आयु वर्ग के नागरिकों के लिए कोवैक्सीन का पहला और दूसरा डोज मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर अस्पताल कामठी रोड व स्वर्गीय प्रभाकर दत्त के मनपा महाल रोग निदान केंद्र, एम्स आइसोलेशन अस्पताल, इमामवाड़ा, इंदिरा गांधी अस्पताल, गांधीनगर, मनपा स्त्री अस्पताल, 5 पौली और प्रगति हॉल दिघोरी में उपलब्ध है। पैथकाइन डायग्नोस्टिक्स ने कांग्रेस नगर नागपुर में एक अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब के साथ महाराष्ट्र में प्रवेश किया है। ये कदम महाराष्ट्र और भारत के अन्य पश्चिमी और मध्य राज्यों में कंपनी की आक्रामक विस्तार योजनाओं के अनुरूप है। नितिन गडकरी, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री और संजीव वशिष्ठ, एमडी तथा सीईओ पैथकाइन डायग्नोस्टिक्स द्वारा इस नई प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया। विस्तारित योजना के एक हिस्से के रूप में पश्चिमी और मध्य भारत में गुणवत्ता निदान सेवाओं को जनता के लिए सुलभ बनाने के उद्देश्य से पैथकाइन डायग्नोस्टिक्स ने नागपुर, रायपुर, जबलपुर में बड़े प्रारूप की प्रयोगशालाएं खोली है। साथ ही बहुत जल्द मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, गोवा, भोपाल, इंदौर में और प्रयोगशालाएं शुरू की जाएगी।
ताकि भारत के पश्चिमी और मध्य भागों में रहने वाले लोगों को उनके दरवाजे पर बेहतर गुणवत्ता निदान सेवाएं प्रदान करने में सक्षम हो सके। पातकाइंग ने उस परिसर में लगभग 200 संग्रह केंद्र खोले हैं। उल्लेखनीय है कि उत्तर और पूर्वी भारत में व्यापक कवरेज के अलावा पड़ोसी राज्यों में ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ में पातकाइंग के पास पहले से ही प्रभावशाली पदचिन्ह है। पातकाइंग डायग्नोस्टिक्स के MD और CEO संजीव विशिष्ट ने लॉन्च पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब कांग्रेस नगर नागपुर की स्थापना करना हमारे लिए गौरव की बात है। सिल्ली तितुर जिला परिषद क्षेत्र में मौजा सिल्ली में जिला परिषद अंतर्गत 3054 मार्ग व पुल, उमरेड मार्ग से अजनी मार्ग सड़क निर्माण कार्य, दलित बस्ती सुधार योजना निधि अंतर्गत 20 लाख रुपए, जिला वार्षिक योजना अंतर्गत 15 लाख रुपए, 15 वित्त आयोग निधि अंतर्गत 4 लाख रुपए, बंद गटर नाले निर्माण कार्य, सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत 10 लाख रुपए और अन्य विविध विकास कार्यों का भूमि पूजन किया गया। कई अन्य विकास कार्य भी प्रारंभ किए गए। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे गांव का विकास करने का अवसर मिला है। इस आशय के विचार जिला परिषद की सदस्य प्रमिला परमानंद जी दंडारे ने किया। उन्होंने उपस्थित मान्यवरों और नागरिकों का शुक्रिया अदा किया। इस भूमि पूजन कार्यक्रम में पूर्व जिला परिषद सदस्य डॉक्टर शिवाजी सोनसरे, उपसभापति वामनजी श्रीरामे, सरपंच लालाजी दंडारे, परमानंद जी दंडारे, डॉक्टर चिंतामण जी भुजाड़े, हुकुमचंद लांबाड़े, नीलेश चौहान, पुलिस पाटिल नामदेव जी पडोले, राजू जी सोनसरे, रघुनाथ साखरकर, मोरेश्वर सोनसरे, भोजराज सोनसरे, सौरभ दंडारे, गुणवंता दंडारे आदि उपस्थित थे। दहेगांव स्थित लेआउट की गांवठान अंतर्गत रजिस्ट्री काफी दिनों से बंद है, जिसको लेकर मंत्री सुनील केदार ने आदेश दिए थे कि समस्या का तुरंत हल निकाला जाए। बैठक में SDO व तहसीलदार ने लेआउट धारक खेत मालिकों की बैठक बुलाकर लेआउट को अधिकृत किया जाए, इस संदर्भ में तुरंत मीटिंग बुलाने का आदेश दिए। आशा है कि जल्द ही कुछ न कुछ हल निकलेगा। मंत्री सुनील केदार साहब के दिशा निर्देश के अनुसार कोरोना काल में ग्रामीण भागों में जितने भी NPH कार्ड बने थे उसे ऑनलाइन करने के लिए बहुत जल्द नवंबर के दूसरे हफ्ते में पोटा, चनकापुर, सिल्लेवाड़ा, वल्ली, रोहना, दहेगांव, चिचोली, भानेगांव में कैंप लगाकर सामूहिक रूप से कार्ड को ऑनलाइन किया जाएगा। उसके उपरांत नए कार्ड व अन्य सरकारी योजनाओं के लिए अलग से शिविर लगाया जाएगा। कन्हान परिक्षेत्र में सब्जी विक्रेता एवं अनेक सामग्रियों को बेचकर अपना व्यवसाय करने वाले लोग गर्मी वर्षा ऋतु काल का सामना कर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। उनकी वेदना पीड़ा को समझते हुए नागपुर जिला शिवसेना के जिला उप प्रमुख, नगर परिषद कन्हान पीपरी के पूर्व पार्षद, मानवता बहुउद्देशीय संस्था के अध्यक्ष वरदराज पिल्ले ने विशाल छतरी वितरण का कार्यक्रम किया। उनके इस स्तुत्य कार्य का इस क्षेत्र में अभिनंदन किया जा रहा है। छतरी वितरण कार्यक्रम में विशेष रूप से शिवसेना महिला शहर प्रमुख मनीषा चिखले, शहर प्रमुख छोटू राणे, नगराध्यक्षा करुणा आशनकर, उपाध्यक्ष डायनल शेंडे, पार्षद अनिल ठाकरे, नगर सेविका मोनिका पोनीकर, महिला उपजिला प्रमुख नंदा घोगले, कुंदा मोटघरे, वैशाली श्रीखंडे, चिंटू वाकुडकर, हरीश तिड़के, प्रमोद गायकवाड़, सोनू खान, सुनील पिल्ले, कोमल लांजेवार, ममता दास, दामू बंड, अनिल देशमुख, शमशेर पुरवले आदि गणमान्य नागरिक, शिवसेना पदाधिकारी, कार्यकर्तागण उपस्थित थे। संपूर्ण भारत में जोरों से चल रहे आजादी का अमृत महोत्सव के तहत चल रहे स्वच्छता अभियान एवं संबंधित पहलों को कन्हान परिसर में बढ़ावा देने एवं परिसर को स्वच्छ करने हेतु कन्हान नगर परिषद की अध्यक्षा करुणा आशनकर ने समाज कार्य महाविद्यालय कामठी एवं नगर परिषद कन्हान के संयुक्त उपक्रम से तारसा रोड चौक से लेकर वागधरे वाड़ी तक संपूर्ण परिसर की स्वच्छता करवाई। इसके अलावा विशेष रूप से पर्यावरण को हानिकारक पहुंचाने वाली प्लास्टिक की पन्नियों को भी जमा करने का काम किया। नगर अध्यक्ष करुणा आशनकर ने आह्वान करते हुए कहा कि प्लास्टिक की पन्नी का उपयोग ना करें और ना ही इसे कहीं भी फेंके, क्योंकि कूड़े कचरे में ये पन्नी सबसे हानिकारक है। इस समाज कार्य को सफल बनाने हेतु करुणा आशनकर के साथ पार्षद अनिल ठाकरे, रेखा टोहाने तथा नगर पालिका के अधिकारियों में संकेत तलेवार, महेश बढ़ेल, लोकेश महातो, शुभम येलमुले, शुभम काल्यबांडे, रविन्द्र पाहुने एवं समस्त स्वच्छता कर्मी एवं समाज कार्य विद्यालय के रोसेयो कार्यक्रम अधिकारी शशिकांत डांगे, राष्ट्रपाल मेश्राम, प्रणाली पाटिल, उज्ज्वला सुखदेवे, ओम प्रकाश कश्यप, मनोज होले, निशांत माटे, मनीष मुले, आवेश करणी शेख, प्रतीक कोकोड़े, नीरज वालदे, रोसेयो स्वयं सेवक श्रद्धा आष्टनकर, अंगद देवपात्रे, निखिल बागड़े, संजय हुमने उपस्थित थे। दो महाराष्ट्र सिग्नल कंपनी के निर्देशानुसार नरेंद्र तिड़के कॉलेज की राष्ट्रीय छात्र सेना ने रामटेक क्षेत्र में कोरोना टीकाकरण जागरूकता के लिए साइकिल रैली का आयोजन किया था। श्री नरेंद्र तिड़के महाविद्यालय की राष्ट्रीय छात्र सेना द्वारा आयोजित साइकिल रैली का शुभारंभ पर प्राचार्य डॉक्टर संगीता टक्का मोरे ने हरी झंडी दिखाई।
इस अवसर पर दो महाराष्ट्र सिग्नल कंपनी के राम प्रताप सिंह, अवतार सिंह, नरेश अम्बिलकर, डॉक्टर श्रीकांत भोते, डॉक्टर बाला साहेब लाड और अन्य उपस्थित थे। साइकिल रैली के मनापुर पहुंचने पर मनापुर के सरपंच संदीप सावरकर, ग्राम पंचायत सदस्य पूजा वहाने और रोशनी नगरे ने स्वागत किया। इसके बाद साइकिल रैली नगरधन पहुंची और ग्राम पंचायत नगरधन ने स्वागत किया। साइकिल रैली किड्स कॉलेज, शीतलवाड़ी, बस स्टैंड होते हुए गांधी चौक पहुंची। तख्तियां लेकर और टीकाकरण की घोषणाएं की गई। महात्मा गांधी की पूर्णाकृति प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। साइकिल रैली का समापन कॉलेज हॉल में आयोजित एक समारोह में किया गया। राष्ट्रीय छात्र सेना के कैंडिडेटों ने इस साइकिल रैली को आयोजित करने के लिए अथक परिश्रम किए। 5 सितंबर को हुए नागपुर जिला परिषद के चुनाव में इसासनी डिगडोह जिला परिषद सर्कल चर्चा में रहा। यहां पर 2000 से ज्यादा मतदाताओं को प्रशासन की लापरवाही से मतदान करने से वंचित रखा गया। 2 बूथ पर ईवीएम मशीन नहीं पहुंचाई गई, लेकिन चुनाव का नतीजा घोषित कर दिया गया, जिसमें भाजपा का उम्मीदवार चुनकर आया। इस पर बहुजन समाज पार्टी ने आपत्ति जताते हुए शिकायत की थी, जिस पर चुनाव आयोग ने दोषी अधिकारी कर्मचारियों को निलंबित करने के आदेश दिए, लेकिन चुनाव को रद्द नहीं किया गया। सोमवार को बसपा के जिलाध्यक्ष संदीप मेश्राम के नेतृत्व में हिंगना विधानसभा अध्यक्ष शशिकांत मेश्राम व उम्मीदवारों ने जिलाधिकारी आर विमला को ज्ञापन सौंपा। मांग की है कि इसासनी डिगडोह का 5 सितंबर को जो चुनाव हुआ है उसे रद्द कर फिर से चुनाव ले। ऐसा नहीं होने पर इस मामले के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर करने की चेतावनी बसपा जिलाध्यक्ष मेश्राम ने दी। इस मौके पर जिला परिषद डिगडोह इसासनी उम्मीदवार अस्मिता टेम्भुर ने, पंचायत समिति डिगडोह इसासनी उम्मीदवार प्रेमलाल कुंवर, जिला अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी संदीप मेश्राम, नागपुर जिला प्रभारी विजय डहाटे, जिला सचिव सतीश शेलके, हिंगना विधानसभा अध्यक्ष शशिकांत मेश्राम, विधानसभा महासचिव रविंद्र हुमने, विधानसभा उपाध्यक्ष राजू कोलते उपस्थित थे। बाल अवस्था में ही काम कर एक बच्चा अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है। शिक्षा की उम्र होने के बावजूद हालात से मजबूर होकर बाल मजदूरी करना पड़ रहा है। बच्चे को हाथ में खिलौना बेचता देख मन में कई सवाल उठते हैं। एक ओर सरकार आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर खेलने कूदने की उम्र में ही बच्चों को काम करता देखा जाता है। मंसर स्थित 13 वर्षीय प्रेम नामक बालक रोजाना गांव गांव जाकर चकरी बेचने का काम करता है। एक गांव से दूसरे गांव पैदल चलकर बेचकर वह परिवार की आर्थिक सहायता करने में लगा है। इस उम्र के बच्चों को स्कूली शिक्षा प्राप्त कर अपना भविष्य उज्जवल करने का अवसर होता है। उसी उम्र के बच्चों को शिक्षा छोड़ काम करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। एक और गरीब तो दूसरी ओर पूंजीपति, ये दूरी जब तक कम नहीं होगी तब तक आत्मनिर्भर भारत होना कदापि संभव नहीं है। सरकार ने ऐसे बच्चों की और उनके परिवार की आर्थिक मदद कर उन्हें शिक्षा दिलानी चाहिए, ये स्थानीय नागरिकों का मानना है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में बीते 25 साल से पार्टी को आगे बढ़ाने का सराहनीय कार्य करने पर राष्ट्रवादी के संस्थापक अध्यक्ष शरद चंद्र पवार ने फिर एक बार मोहन ठाकरे को उद्योग व्यापार विभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष पद पर चयन करने से ठाकरे पर विश्वास दिखाया है। मोहन ठाकरे बीते 25 साल से पार्टी से जुड़े हुए हैं। उनका कार्य सराहनीय होने का पार्टी के लोगों ने बताया है। हाल ही में हुए चयन समारंभ में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष बाबा गुजर, प्रदेश सरचिटनीस धनराज फुसे, महिला जिलाध्यक्ष अर्चना हरडे, अविनाश गोतमारे, डॉक्टर विलास मूर्ति, पूर्व नगराध्यक्ष वाड़ी प्रेम झाड़े, अभय कुणावार, अशोक गड़ेकर, राजकुमार वानखेड़े, बंडू उमरकर, अमर जैन, शोएब असद ने मोहन ठाकरे को बधाई दी। पार्टी में किए कार्य पर विश्वास दिखाने के लिए मोहन ठाकरे ने संस्थापक अध्यक्ष शरद पवार, गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल, प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल, महाराष्ट्र प्रदेश उद्योग व्यापार प्रदेश अध्यक्ष नागेश फाटे, अनिल देशमुख, रमेश चंद्र बंग, विजय घोड़मारे इनका आभार माना। हाल ही में रामटेक के प्रसिद्ध गण मंदिर परिसर में विधायक आशीष जायसवाल, रामटेक उपविभागीय अधिकारी और रिसीवर वंदना सौरंगपते, नगराध्यक्ष दिलीप देशमुख, मुख्याधिकारी हर्षल गायकवाड़, सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग के उप अभियंता दमाहे, राज्य पुरातत्व विभाग के अधिकारियों के साथ निरीक्षण दौरा किया। विधायक जायसवाल ने संबंधित अधिकारियों को इस तरह की योजना बनाने के निर्देश दिए, क्योंकि वहां विभिन्न सुविधाओं और सौंदर्यीकरण कार्यों को अंजाम देना आवश्यक है। कोरोना काल में परिसर को बंद कर दिया गया था, क्योंकि सभी मंदिर बंद थे। रामटेक का राम मंदिर मध्य भारत का एक महत्वपूर्ण मंदिर है और हर दिन हजारों भक्त आते हैं। श्री राम मंदिर क्षेत्र में बारिश का पानी रिस रहा है और इस संबंध में उपाय किए जाने चाहिए। कोरोना काल में मंदिर बंद होने के कारण पूजा सामग्री व अन्य सामान बेचने वाली दुकानें बंद थी, सभी दुकानें फिर से खोल दी गई है। ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थलों के रख रखाव के लिए राज्य पुरातत्व विभाग के माध्यम से आवश्यक कदम उठाए जाए। इन सभी मुद्दों पर गण मंदिर परिसर का निरीक्षण करने के बाद विस्तृत चर्चा के लिए रामटेक के उप विभागीय अधिकारी के कक्ष में विधायक जायसवाल और स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों ने बैठक ली।
हाल ही में घोषित नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा परिणाम में गुमगांव क्षेत्र के 3 छात्रों ने शानदार सफलता हासिल की है। एकता गणेश उत्सव मंडल द्वारा गुमगांव में एक स्वागत समारोह का आयोजन किया गया था। इसमें कोतेवाड़ा के पूर्व सरपंच रविन्द्र आस्तनकर, उपसरपंच अशोक फुलकर, गुमगांव के उपसरपंच नित्यानंद बोडने की प्रमुख उपस्थिति में यशवंत विद्यालय की विद्यार्थिनी माही महादेव निवंत, सिद्धि विनायक स्कूल की स्नेहल विनोद लिखार व मधुबन आश्रम स्कूल के अंशुल अजय वासनिक और उनके माता पिता को प्रमाण पत्र, शॉल, फूल और किताबें देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन रविन्द्र कुंभारे ने और आभार विजय निमजे ने व्यक्त किया। तो नागपुर हलचल में आज इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज़। नमस्कार।